Okay students, now we are going to do illustration number 4. Okay, what this illustration number 4 is saying? A, B are the partners in sharing profit and losses in the ratio 3:2. Okay, so fine, so this is the illustration. A and B sharing 3:2. Okay, then they have the balance sheet is given, liabilities, creditors. Okay, दे हैव लाइबिलिटीज, तो पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं. रियलाइजेशन अकाउंट में सारा कुछ ट्रांसफर कर देंगे. फाइन, तो क्या है, क्रेडिटर्स 20,000, ये ट्रांसफर कर दिया. ओके, फिर आपके पास क्या है, ऑन द अदर हैंड डेटर्स हैं, प्रोविजन, लो जी डेटर्स कितने के हैं, 40,000. प्रोविजन, ओके, तो प्रोविजन कितने की है आपके पास, 1,800. Okay, then we have stock 54,800, machinery 40,000. Machinery 80,000. Okay, sorry, 40,000. And land and building, sitting high. 1,20,000. Okay, ये आपके पास दे रखा है. Now, partner decided to dissolve the above data, above on the above date, assets realized as follows. तो उन्होंने realize कर दिए, by bank stock कितना आ गया आपके पास, 45,000. ओके, मशीनरी आपके पास कितनी आ गई, 20% लेस देन बुक वैल्यू, तो 40,000 पे 20% लेस कर दो, 32,000. ओके, देन देयर इज डेटर्स 35,000. ओके, देन देयर इज लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू. लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 मोर देन बुक वैल्यू, मतलब 1,50,000. ओके, और फिर क्या किया है, क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट 5% लेस, तो टू बैंक क्रेडिटर्स 20,000 हैं, 5% लेस मतलब 19,000. ओके,
फिर है आपके पास रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, टू बैंक कितना हो गया 1200। ओके तो ये आ गया आपके पास 80, 230, 262। ये आ गया 282, 283, 800। यहाँ कितना बन गया आपके पास 94, 95, 96, 136, 256, 266 और 9275। तो 8800, 2 A and B, 8800 को 5 से डिवाइड कर दो 38, 6, 7 से 35, 1750, 3500 और 0, 5, 15, 21 और 22, 52, 50। ठीक है जी, तो ये आ गया आपके पास। अब आ जाओ कैपिटल अकाउंट। ए बी बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है जी। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 150 और 90,000 दे रखे कैपिटल। अब देखो रियलाइजेशन से फायदा हुआ 5250, 30, 500। ओके तो ये आ गया आपके पास। अब कोई अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं थी, चलो इसका टोटल हो गया 93,500, 155,250। ओके 155,250, 93,500, 2 bank। ओके ये आ गया आपके पास। अब बैंक अकाउंट बना लेते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, बैलेंस आपके पास 7000 है। ओके जी, बाय ए बी 1,55,250 और 93,500। ठीक है, टू रियलाइजेशन 2,62,000 बाय रियलाइजेशन कितना है बैंक में 20,200। ओके ये कितना है 269। इधर देखो 7 से 35, 36, 37।
is how illustration number 4 will be done. Okay, ab chalte hain illustration number 5 ki taraf. Okay ji, illustration 5 is there. क्या कह रहा है illustration 5? A, B, C partner है firm में. किस ratio में? 1/2, 3/10, 1/5. तो 5:3:2. क्योंकि 10 है aggregate. तो 1/2 तो 5 हो जाएगा 10 अगर आपका डिनोमिनेटर है. ओके, तो ये आपके पास है. अब एसेट्स और लायबिलिटीज दिए हुए हैं. बैलेंस शीट रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं. अब इस क्वेश्चन में एक नई चीज आ रही है, वो आ रहा है पार्टनर लोन. तो पार्टनर लोन के ट्रीटमेंट की बात हो रही है इसमें. तो एज लोन वो कैसे ट्रीट किया जाएगा, वो है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है जी. अगर तो लोन की एज इट इज पेमेंट हो जाती, तो अगर उसमें कुछ ज्यादा आपको पेमेंट करनी है तो वो कहाँ से हो जाएगा? अगर इंटरेस्ट की है पेमेंट तो वो रियलाइजेशन अकाउंट से पेमेंट होगी. ठीक है जी. अब यहाँ पे लोन है हमारे पास ए का 30,000. फाइन, उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह की बात नहीं हो रही है. तो यहाँ टू बैंक लिख देंगे, क्योंकि पार्टनर लोन थर्ड पार्टी लोन नहीं है, पार्टनर का है, तो ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा. ओके, अब आ जाओ, आपके पास एसेट्स और लायबिलिटीज हैं. क्रेडिटर्स आपने ट्रांसफर कर दिए, ओके, क्रेडिटर ट्रांसफर कर दिए, तो कितना आ गया आपके पास? 275. ओके, ये आपने क्रेडिटर्स ट्रांसफर कर दिए. देन देयर इज फर्नीचर 5,000 का है. Okay, then there is stock 1,75,000. Okay, then there is debtors 2,40,000. Okay, so aur fir hai aapke paas डीआर है 30,000, ये आपके पास दे रखे हैं. ठीक है जी. अब हम रियलाइज करते हैं 20,000 ऑफ डेटर्स प्रूव्ड बैड. ओके, तो डेटर्स से आपने कितने रियलाइज किए? 2,20,000. ठीक है. BR was realized in full. तो 30,000 ये आ गए. ओके, फिर क्या कर रहे हैं? स्टॉक रियलाइज 1,70,000. ओके, देन फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय बी एट बुक वैल्यू. तो बाय बी इज कैपिटल. ओके, फर्नीचर बुक वैल्यू पे ले गया. अब क्या है? एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 20,000.
राइटर्स की पेमेंट कर दो। देखो जी, 2,75 और 1,75, 4.5 लाख, 4.5 और 2,70, 6,50, 7,20, 7,40, 7,45। ठीक है, उधर आ गया आपके पास 280, 5 लाख और 6 लाख, 5,45,000 का आपका लॉस हो गया। अब इसे 5,32 में बांट दें, ए बी सी 9,000, 13,500 और 22,500। अब आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ए बी सी बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने हैं बैलेंसेस आपके पास? 1 लाख, 50,000, 5 लाख। ठीक है, टू रियलाइजेशन कितना है? 22,500, 13,500। ओके, अब टू रियलाइजेशन बी का कैपिटल अकाउंट 5,000 और पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चीज नहीं है। 5,000 सॉरी 9,200। फिर 50,000, 45 45 में से 10 के 35, 32, 31, 500। ओके, और यहाँ पे 1 लाख ये आ गए 77,500। ये आ गया आपके पास टू बैंक। ओके, अब आ जाओ बैंक अकाउंट। ओके जी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है बैलेंस? 10,000। ओके, बाय एज लोन 30,000, बाय एज कैपिटल 77,500, 31,500, टू सीज कैपिटल 40,200। देखो यहाँ से आया ये और ये। ठीक है, तो आपके पास है, तो आपने ये दोनों यहां ट्रांसफर कर दिए और ये यहां ट्रांसफर। ठीक है, अब देखो बैंक है आपके पास, ये वाला बैंक और ये वाला बैंक। ठीक है, ये कहाँ जाएगा आपके पास? ये वाला तो यहाँ आ गया, टू रियलाइजेशन। ओके, तो कितना है? 4,00,000, 20,000। ओके, और ये है आपके पास बाय रियलाइज।
utilization 2,95,000. ठीक है, तो ये नंबर वन बैंक, ये नंबर टू बैंक, तो ये आ गया नंबर वन बैंक और ये नंबर टू बैंक। फाइन, तो आपके पास ये दो आ गए। अब हम इनका टोटल कर लेते हैं। देखो ये आ गया 1, 2, 3, 0, 7, 5, 12, 13, 14 तो ये कितना है, 4,20, 4,30, 4,35। ओके, ये कितना है, 77 और 31, 108, 109, 114, 4 और 114, मतलब यहाँ पे एक आ गया, 9, 3, 12, 9, 1, 10, 10, 10, 20, 3, 23। अच्छा, तो ये आपके पास आगे सिचुएशन फिफ्थ इलस्ट्रेशन। ओके जी, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज सिक्स्थ इलस्ट्रेशन। फाइन, कौन कौन है इसमें, दिया एंड रिया आर पार्टनर्स, दिया एंड रिया आर पार्टनर 1:1। ओके, अभी इसमें उसने एसेट्स और बैलेंस शीट दी हुई है, टोटल क्या दिया हुआ है, रियाज लोन, जनरल इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन फंड, सन्ड्री डेटर्स, कैश डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड सन्ड्री, डीएस लोन। फाइन, अब देखो रियलाइजेशन अकाउंट, ओके, उसमें क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के हैं, क्रेडिटर्स 60,000। फाइन, फिर क्या है, डेटर्स 42,000, प्रोविजन कितने की है, प्रोविजन 6,000। ओके जी, फिर आपके पास रियाज लोन दिया हुआ है, ये पार्टनर लोन है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 15,000। ओके, टू बैंक, अगर कोई इंटरेस्ट होगा तो वो रियलाइजेशन से पे ऑफ होगा। ओके, उसने लिखा हुआ है इंटरेस्ट। ओके, बाय
क्वेश्चन इंटरेस्ट के लिए, और यहाँ आ जाएगा टू इंटरेस्ट, ठीक है। अब आपके पास जनरल रिजर्व है, वो पार्टनरशिप बटेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। जब भी इन्वेस्टमेंट होगी तो आईएफएफ ट्रांसफर हो जाएगा, अगर नहीं होगी इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में तो आईएफएफ को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स। ओके, स्टॉक 12,000, ओके, फिर है इन्वेस्टमेंट 18,000, ओके, फिर है प्लांट एंड मशीनरी 39,000, ओके जी, और डीआर लोन तो हमारे पास वो तो सीधा पेमेंट हो जाएगी इसकी, ओके, रियलाइजेशन में वो ट्रांसफर नहीं होगा, नहीं उसकी कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट होगा। डीआर लोन देखो वो कैसे होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच इज द अमाउंट 2000, ओके, बाय डीज कैपिटल, तो ये आपके पास आएगा। तो ये तो हमने सिंपल जो बैलेंस शीट में थी एलिमेंट्स उनको ट्रांसफर किया, उनको एडजस्टमेंट किया। अब आ जाओ कि ये रियलाइज कैसे हो रहे हैं। द क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम प्लांट एंड मशीनरी एट 10% डिस्काउंट एंड बैलेंस इन कैश। अब प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, 39,000 की, ओके, इसमें से 3900 10% निकाल दो तो 35,100, तो क्रेडिटर्स हमारे पास हैं 60,000 के, ओके, 60,000 को दो हिस्सों में बांट दो, 35,100 और 24,900, ये और ये आपस में क्या हो गए, कैंसल, ये क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, न्यूट्रलाइज। सो नो एंट्री when an asset is exchanged for liability, ठीक है जी। तो asset exchange कर दिया liability के लिए, तो यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब रिया का लोन हो गया, debtor realize 10% of the amount due from them, okay, by bank debtors 38,37,800, okay, then there is stock was taken over by RIA by Arts Capital, okay, फिर क्या है, investment realized 80% of their book value by bank investment 80% of book value, तो 3600 निकाल दें 1400, then realization expenses were paid by DR to D's capital. कितने realization expenses? 600. Okay. To bank creditors के 24,900. ठीक है जी. तो कितने हो गए? 30, 69, 71, 111, 111, ओके, 25, 500 और 26,
1,37,000 ओके 68 और ये कितना हो गया 12 से 80 117 800 और 131 800 और 132 200 132 तो 4,800 का यहाँ लॉस आया तो कैलकुलेशन 66 68 68 स्टॉक 7,000 में तो 90 ओके बाय डी एम आर 4,900 कैपिटल अकाउंट डी आर बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है ओके 30 और 10 जनरल रिजर्व दिया हुआ है और रेशो में बांट देंगे कितना है जनरल रिजर्व 15,000 7,500 टू रियलाइजेशन 49 49 ओके और क्या है टू रियलाइजेशन कितना 7,000 और कुछ कमी होता है बाय रियलाइजेशन 600 ठीक है जी तो ये वाली अमाउंट कहाँ से आई है यहाँ से ये वाली अमाउंट कहाँ से आई है यहाँ से ठीक है अब आगे आर लोन हो गया ये टू डीज लोन कितना है 2,000 तो ये वाली अमाउंट यहाँ आइए ओके और कुछ नहीं 17,500 10,500 में से 4 गए 6,500 और 5,600 ये कितना है 38,100 छः निकाल दो 32,100 और 31,200 टू बैंक ओके 17,500 38,100 ओके अब आ जाओ बैंक अकाउंट ठीक है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 25,000 ओके टू बैंक कितना आ गया देखो ये वाला और ये वाला ठीक है तो कहाँ आ गए रियलाइजेशन 52,200 ओके तो ये अमाउंट आ गई हमारे पास अब इधर कितना है बाय रियलाइजेशन
this is how we are through up to sixth illustration.